आप सभी का स्वागत है CICM क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8। जो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमें कह रहा है इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब ये टर्म हमेशा याद रखना है कि जब माइनस में होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जब 1 प्लस कोस होता है तो हम लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कहाँ से आए, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से ही आया है ना। तो आई बराबर 2 से 2 कैंसिल, साइन और कोस का क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है लेकिन अपने को पता है कि टेन स्क्वायर को किस में बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर में। तो आई बराबर यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 डी एक्स, और सेक का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं क्या होता है टेन एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर का टेन एक्स, अब एक्स किससे गुणा है 1 बाई 2 से, तो 1 बाई 2 डिवाइड माइनस का एक्स प्लस का से। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन एक्स प्लस सी के। ये हमारा फॉर्मूला है, जैसे आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से 2 घूम के ऊपर जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस के एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन जो 9 है उसमें हमें गिवन है इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। प्लस 1 माइनस 1 करके करते हैं अपन इसको। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स, एक जोड़ा एक घटाया, जोड़ने वाले के साथ लिखा घटाने वाले के साथ लिखा, ये हो गया डी एक्स। आगे सोल्व करते हैं आई बराबर, यहाँ से तो आ गया डी एक्स, यहाँ से बच गया डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी अपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। आई बराबर ये हो गया डी एक्स माइनस 1 बाई 2 बार, कोस को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास। आई बराबर डी एक्स का तो एक्स माइनस 1 बाई 2, सेक स्क्वायर का होता है टेन, और x 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई तो 1 बाई 2 डिवाइड में प्लस सी, ये हमारा आंसर। तो घूम के ऊपर जाएगा तो i बराबर आ जाएगा x माइनस के टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। इस क्वेश्चन को कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। और थोड़ा देखते हैं एक मिनट कार्य क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10।